विधि शास्त्र लीगल थ्योरी। प्रश्न इस प्रकार है, विधि की परिभाषा दीजिए। विधि शास्त्रियों के अनुसार विधि के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन लॉ, डिस्क्राइब द मेन काइंड्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द वेरियस ज्यूरिस्ट। आंसर इस प्रकार है, विधि शब्द बहुत ही व्यापक है तथा भिन्न भिन्न विचारकों ने विधि के भिन्न भिन्न रूपों को अपने दृष्टिकोण में रखकर विधि की परिभाषा दी है। ब्लैक स्टोन के मतानुसार कार्यों के संपूर्ण नियमों को व्यापक विधि कहा जाता है। व्यापक अर्थ में विधि के अंतर्गत गति संबंधी विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, प्रकाश विज्ञान की विधि, यंत्र ज्ञान संबंधी विधि, रसायन विधि, भौतिक विधि, प्रतिष्ठा संबंधी विधि, सदाचार की विधि, प्राकृतिक विधि, राष्ट्रीय विधि इत्यादि अनेक प्रकार की विधियों का समावेश किया जा सकता है। प्रोफेसर हॉलैंड का कहना है कि यदि विधि का सही अर्थ अपनाया जाए तो वह व्यवहार का सामान्य नियम है। उस व्यवहार में वे ही बाहरी कार्य आएंगे जो एक निश्चित अधिकारी द्वारा लागू किए गए हैं। वह अधिकारी कोई मानव है और मानव अधिकारियों में भी वह विशिष्ट मानव राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान है। विनोग्रेडोफ ने विधि का वर्णन करते हुए कहा है, ए सेट ऑफ रूल्स इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाई ए सोसाइटी विथ रिगार्ड टू द एट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर ओवर पर्सन्स एंड थिंग्स। हॉब्स ने विधि की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विधि व्यक्ति के या व्यक्तियों के उस समूह के आदेश हैं जिन्हें अपने आदेशों को दबाव डालकर मनवा लेने का संबल प्राप्त है। ऑस्टिन ने कहा है कि ए लॉ इज ए रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाई द सबॉर्डिनेट। सामंत ने कहा है कि विधि सिद्धांतों की उस श्रृंखला को कहते हैं जो राज्य द्वारा न्याय संगत प्रशासन के हेतु निर्धारित और मान्य की गई है। मोटे तौर पर विधि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, फर्स्ट सामान्य विधि एंड सेकंड न्याय विधि। फर्स्ट सामान्य विधि, सामंत लिखते हैं कि विधि का विस्तृत अर्थों में तात्पर्य किसी भी कार्य के नियम से होता है, अर्थात कोई भी ऐसा मापदंड जिसके अनुसार कार्य होते हैं या कार्य होने चाहिए विधि कहलाती है। इस परिभाषा के अनुसार विधि के सामान्य रूप में सभी प्रकार की विधियां आ जाती है। मोंटेस्को के अनुसार विधियां विस्तृत अर्थों में वस्तुओं की प्रकृति के लिए किए गए आवश्यक संबंध है। देवताओं की अपनी अलग विधियाँ होती है, भौतिक जगत की अपनी अलग विधियाँ होती है तथा मनुष्यों की अपनी अलग विधियाँ होती है। इस परिभाषा के अनुसार विधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, फर्स्ट दैवी विधियाँ, सेकंड भौतिक विधियाँ एवं थर्ड मानव विधियाँ। फर्स्ट दैवी विधियाँ तो ईश्वर की इच्छा से संबंधित होती है, सेकेंड भौतिक विधियाँ प्रकृति के क्रम की अभिव्यक्ति होती है, इनमें गति आकर्षण आदि से संबंधित विधियाँ सम्मिलित होती हैं। थर्ड मानव विधियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, फर्स्ट जो किसी अनिश्चित सत्ता द्वारा लागू की जाती है, सेकंड जो किसी निश्चित सत्ता द्वारा लागू की जा सकती है। प्रथम प्रकार की विधियों को नैतिक नियम कहा जा सकता है क्योंकि ये व्यवहार संबंधी नीति शास्त्र पर आधारित होती हैं। द्वितीय प्रकार की विधियों को नागरिक नियम कहा जा सकता है क्योंकि ये किसी राष्ट्र में नागरिकों पर लागू होने वाली विधियाँ होती है। प्रथम प्रकार की विधियों में जनता की स्वीकृति छिपी रहती है, इस आधार पर इन्हें प्राकृतिक नियमों से भिन्न कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार की विधियों में राज्य की स्वीकृति होती है, सेकंड न्याय विधि। इस विधि के अधीन विधि का अर्थ नागरिक विधि से है जिसको सुस्पष्ट विधि या राज्यों की विधि भी कहते हैं। इसका संबंध राज द्वारा बनाए गए कानूनों से है। हॉलैंड के विचार से विधि सामान्य नियमों का एक सिलसिला है जो एक निश्चित मानवीय राजनीतिक शक्ति द्वारा चलाया जाता है। यह मानवीय शक्ति एक राजनैतिक समाज की सर्वोच्च राजनैतिक मानव शक्ति है। सामंत द्वारा दिए गए विधि के विभिन्न प्रकार, सामंत के मतानुसार विधि को 8 भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटा गया है, फर्स्ट आदेशात्मक विधि, सेकेंड भौतिक या वैज्ञानिक विधि, थर्ड प्राकृतिक या नैतिक विधि, फोर्थ संप्रतिज्ञात्मक विधि, फिफ्थ परंपरागत विधि, सिक्स व्यवहारिक या यांत्रिक विधि, सेवेंथ अंतर्राष्ट्रीय विधि एंड एट नागरिक विधि या राज्यों की विधि। फर्स्ट आदेशात्मक विधि, जो नियम बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन के लिए उन पर अधिकार रखने वाले बुद्धिजीवियों द्वारा अधिकथित किए जाते हैं उन्हें आज्ञात्मक विधि कहते हैं। ऐसी विधियाँ
आदेश के रूप में होती हैं। यदि यह व्यक्त करता है कि वह उसकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करेगा और यदि वह उसकी इच्छा का पालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, तब अ की इच्छा आदेश होगी। सामान्य आदेशात्मक विधि की परिभाषा देते हुए लिखा है कि आदेशात्मक विधि का तात्पर्य कार्य के ऐसे सिद्धांत या नियम से होता है जो लोगों पर किसी ऐसी सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं जिनकी लोग आज्ञा पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में आदेशात्मक विधि एक आदेश के रूप में एक नियम है जो कि किसी श्रेष्ठतम शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। सामान्य के ही शब्दों में आदेशात्मक विधि से तात्पर्य मानवीय क्रियाकलापों के उन नियमों से है जो व्यक्तियों पर किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं जिनकी आज्ञा पालन के लिए वे बाध्य हैं। अतः आदेशात्मक विधि एक ऐसा समादेश या नियम है जो किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। सामंड का कहना है कि इस प्रकार की विधि को लागू करने वाली शक्ति के लिए यह निश्चित नहीं है कि वह भौतिक शक्ति ही हो। यह शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह लोगों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए विधि को लागू कर सके। ऑस्टिन के अनुसार आज्ञात्मक विधि एक प्रकार का आदेश है जो कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को एक प्रकार का व्यवहार करने को विवश करता है। यह विधि किसी एक संप्रभु व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संप्रभु समूह द्वारा निर्धारित की जाती है और जिसका प्रभाव राज्य के किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह पर पड़ता है। वे व्यक्ति अवश्य उस राज्य की प्रजा या जनता के समादेश होने के नाते अवश्य एक निश्चित और संप्रभु शक्ति या समूह द्वारा लगाए जाने चाहिए, जिनके अंतर्गत एक भय भी छुपा होता है कि समादेशों की अवज्ञा अवहेलना पर अधिकारी रुष्ट हो जाए। आदेशात्मक विधि के भेद इस प्रकार हैं। फर्स्ट, आदेशात्मक विधि राज द्वारा लागू की जाती ऐसी आदेशात्मक विधि नागरिक विधि कहलाती है। सेकंड, आदेशात्मक विधि एक निर्देशित अधिकारी द्वारा बनाई जाती है जिसके द्वारा उसके सदस्य नियंत्रित होते हैं, जैसे गिरजाघर, क्लब या निजी पार्टी की विधि आदेशात्मक हो सकती है, परंतु इस प्रकार की विधि वास्तविक रूप में आदेशात्मक विधि नहीं वरन सुस्पष्ट नैतिक नियम कही जा सकती है। थर्ड, विधि का निर्माण स्वायत्त शासी संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि के द्वारा भी होता है या रेलवे कंपनी आदि की भांति जिसके अनुसार सदस्य लोग कार्य करते हैं। फोर्थ पॉइंट, जिस प्रकार राज्य के अंदर समाज या समितियां कानून बनाते हैं उसी प्रकार से भिन्न भिन्न राज्य आपस में मिलकर एक नियम का विकास करते हैं एवं आदेशात्मक विधि का पालन करते हैं। राज्यों की आदेशात्मक विधि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लागू होती है। सेकेंड पॉइंट, भौतिक या वैज्ञानिक विधि। सामंड के अनुसार भौतिक विधि विज्ञान की ही विधि है। यह विधि प्रकृति के भीतर पाई जाने वाली समता की भौतिका है। इसमें वे सामान्य सिद्धांत आते हैं जिनमें संपूर्ण विश्व के अंतर्गत पाई जाने वाली प्रकृति जनक्रमिकता और सजन्यता का आभास मिलता है। यह समूह के विकास, गुरुत्वाकर्षण विधि, नक्षत्रों की गति संबंधित विधि आदि से भी संबंधित है। थर्ड, प्रकृति की अनैतिक विधि। प्रकृति की अनैतिक विधि से अभिप्राय उचित अनुचित न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों से है। उचित या अनुचित न्याय शब्द के दो भेद होते हैं। प्रकृति की असुस्पष्ट। प्राकृतिक न्याय से अर्थ उस न्याय से है जो कार्य एवं सत्य में एक ही प्रकार का हो, अर्थात यह एक पूर्ण विचार होता है। सुस्पष्ट न्याय से अभिप्राय उस न्याय से है जो नागरिक या सुस्पष्ट विधि के किसी अन्य रूप द्वारा अपूर्ण या अस्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से सुस्पष्ट विधि सुस्पष्ट न्याय को व्यक्त करती है और प्राकृतिक न्याय को स्पष्ट करती है। सामंड के अनुसार प्राकृतिक एवं सुस्पष्ट न्याय का यह अंतर जिससे प्राकृतिक और सुस्पष्ट विधि भी प्रभावित हुई है यूनानी दर्शन से उत्पन्न हुआ है। जब यूनानी दर्शन रोम पहुंचा तो वहां भी वही दोनों भेद पैदा हो गए। रोम वासियों ने प्राकृतिक न्याय को जस्टिसिया न्यूट्रिलियस तथा सुस्पष्ट न्याय को रेक्स नेचुरल कहा है। प्राकृतिक विधि के और भी कई नाम हैं। फर्स्ट, दैवी विधि। इसे मनुष्य पर लागू किया जाने वाला ईश्वर का आदेश कहा गया है। सेकंड, तर्क की विधि। यहाँ तर्क से अभिप्राय उस तर्क से जो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है। थर्ड, अलिखित विधि। इसे अलिखित इसलिए कहा गया है क्योंकि यह न तो किसी धातु की चट्टानों पर लिखी गई है, न पत्थर के खंभों पर, वरन या मनुष्य के हृदय पर प्रकृति की अंगुलियों से लिखी गई है। फोर्थ, इसे सार्वभौमिक विधि भी कहा जाता है।
क्योंकि यह सभी स्थानों पर एक जैसी है। फिफ्थ, इसे शाश्वत विधि भी कहते हैं क्योंकि जब से संसार की रचना हुई है तब से आज तक इसका रूप नहीं बदला है। सिक्स्थ पॉइंट, आजकल इसे नैतिक विधि भी कहा जाता है क्योंकि यह चरित्र संबंधी सिद्धांतों को कायम करती है। फोर्थ पॉइंट, संप्रतिज्ञात्मक विधि। सामंड के अनुसार संप्रतिज्ञात्मक विधि का तात्पर्य उस नियम या नियमों की प्रणाली से होता है जो लोगों द्वारा आपस में एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को संचालित करने के लिए स्वीकार की जाती है। यह विधि राष्ट्रों के बीच या व्यक्तियों के बीच किए जाने समझौतों पर आधारित होती है। इस श्रेणी में क्लब के नियम या इसी प्रकार के अन्य समुदायों के नियम तथा क्रिकेट, कबड्डी आदि खेलों के नियम आते हैं। संप्रतिज्ञात्मक विधि से नागरिक विधि कहा जा सकता है क्योंकि यह विधियां यद्यपि लोग अपने पारस्परिक संबंध द्वारा अपने लिए निर्धारित करते हैं, फिर भी राज्य के न्यायालयों द्वारा मानी जाती है एवं तत्संबंधी व्यक्तियों पर लागू भी की जाती है। संप्रतिज्ञात्मक विधि के ऊपर ही अंतर्राष्ट्रीय विधि आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि उन समझौतों की शर्तों पर आधारित होती है जो संसार के विभिन्न प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने पारस्परिक व्यवहार को संचालित करने के लिए आपस में स्वीकार करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, परंपरागत विधि। सामंड के मतानुसार परंपरागत विधि का तात्पर्य कार्यों के उन नियमों से होता है जिन्हें लोग वास्तव में अमल में लाते हैं। यह मनुष्य के स्वैच्छिक कार्यों की वास्तविक एक रूपता को प्रकट करते हैं। राज द्वारा यह नियम व्यक्ति पर लागू नहीं किए जाते बल्कि व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं ही नियमों को स्वीकार करता है। इस प्रकार की विधियों में शिष्टता संबंधी नियम आते हैं। सामान्य के विचार से इस विधि को सामान्य विधि कहा जा सकता है क्योंकि यह भी व्यवहार के नियमों को निर्धारित करती है। सिक्स्थ पॉइंट, व्यवहारिक या यांत्रिक विधि। सामंड के अनुसार इस प्रकार के नियम हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं। यह नियम हमें बताते हैं कि किसी निश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह के नियमों में स्वास्थ्य, काव्य रचना, संगीत तथा अन्य प्रकार की कला एवं व्यवसाय संबंधी नियम होते हैं। सेवेंथ पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विधि। ओपेनहाइम ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा देते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन परंपराओं तथा संप्रतिज्ञात्मक नियमों के समूह का नाम है जिसे सब राष्ट्र अपने पारस्परिक व्यवहार के संचालन के लिए वैधानिक रूप में मानने को बाध्य होते हैं। सामंड का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों की विधि प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध एवं आपस में एक दूसरे के प्रति किए जाने व्यवहारों को शासित करने वाले नियमों से बनी है। कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि ही नहीं मानते हैं। हॉलैंड उसे विधि शास्त्र का पतन बिंदु कहते हैं तथा ऑस्टिन ने उसे सुस्पष्ट नैतिकता की संज्ञा प्रदान की है। इन विद्वानों का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों की स्वेच्छा पर आधारित होती है, इसलिए इस विधि को दुर्बल विधि कहा गया है। लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अतः इसे विधि कहना भ्रमपूर्ण है। इन तर्कों में किसी समय चाहे कितनी भी समानता क्यों न रही हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के वर्तमान स्वरूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह भी अन्य विधियों की भांति विधि कहलाने का अधिकार रखती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने वाली संस्था को जनरल असेंबली या महासभा तथा सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं तथा इस विधि से संबंधित विवादों का निपटारा करने वाली संस्था को न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करने का साहस कोई भी राष्ट्र बिना कारण बताए नहीं कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि भी अन्य विधियों की तरह ही विधि है। एट पॉइंट, नागरिक विधि। सामंड के मतानुसार नागरिक विधि राज्यों की विधि है या किसी देश की विधि है या वकीलों एवं अदालतों की विधि है। सामंड ने पुनः कहा है कि विधि का निर्माण नागरिक विधि से ही है। नागरिक विधि अन्य विधियों से भिन्न है, इसे विशेष विधि भी कहते हैं। यह विशेष परिस्थितियों में लागू होती है। सामंड के अनुसार विशेष विधि ऐसे नियमों द्वारा बनी होती है कि वह सामान्य विधि के क्षेत्र से बिल्कुल ही अलग मालूम होती है। सुस्पष्ट विधि, स्थानीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि का संबंध नागरिक विधि से होता है। ऑस्टिन के अनुसार ऑस्टिन ने विधि का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को ऑस्टिन ने समुचित विधि के रूप में माना है क्योंकि ये ऐसे नियम हैं जो कि निर्धारित सत्ताधारी ने उन लोगों पर लागू किए हैं जिन पर उनका प्रभुत्व है। दैवी विधि भी अपने इस अर्थ में समुचित विधि है क्योंकि यह एक निर्धारित सत्ता जिसे ईश्वर कहते हैं के द्वारा लागू की गई है तथा जिसके उल्लंघन करने पर राजदंड का भय नहीं है बल्कि देवी प्रकोप की आशंका है।
विधि की तीसरी एवं चौथी श्रेणियां अयुक्ति युक्त रूप से विधि कहलाती हैं, क्योंकि उनके लिए विधि अलंकारिक होती है। उनका निर्धारण एवं समुदाय में अनिश्चित बहुमत द्वारा होता है एवं उनमें बाधा उत्पन्न करना या उनका उल्लंघन करना किसी बुराई के भुगतने हेतु नहीं होता है और न वह किसी प्रकार का दोष या अपराध माना जाता है। हॉलैंड के अनुसार विधि का वर्गीकरण, हॉलैंड ने लिखा है कि यदि दृढ़तापूर्वक कहा जाए तो विधि के क्षेत्र को विस्तृत रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, एक तो वह जो जनता एवं जनता में पारस्परिक अधिकारों को क्रमिक रूप दे सके। सेकेंड, दूसरी वह जो राज्य एवं उसकी जनता में अधिकारों की क्रमिकता को स्थिर कर सके। परंतु एक तीसरे प्रकार की भी विधि होती है जो बहुत से कारणों की वजह से पहले की दोनों प्रकार की विधियों की सहवर्तनी बन सकती है। यद्यपि उसे विधि की संज्ञा तो केवल उदारता की वजह से दी जा सकती है, क्योंकि उन विधियों का जिस अधिकार से संबंध है उसको हम विधिक ढंग से नहीं मान सकते हैं। यह उन नियमों का समूह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं एवं जो कि राज्य एवं राज्य के मध्य अधिकारों को क्रमबद्ध करता है। हॉलैंड के इन कथन के अनुसार विधि को कई भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, व्यक्तिगत विधि। सेकेंड, लोक विधि। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय विधि। इन तीनों विभागों में जिनमें कि विधि को विभक्त किया जा सकता है, यह बात उल्लेखनीय है कि यह नागरिक विधि को ऊपर के दो भागों अर्थात व्यक्तिगत एवं लोक विधि में शामिल नहीं किया जा सकता है, परंतु इन दोनों को इस विधि के अधीन माना जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि को तो केवल सामान्तिक का कारण विधि की संज्ञा दी गई है। दूसरे दृष्टिकोण से हॉलैंड ने विधि को दो भागों में बांटा है, फर्स्ट व्यक्ति विधि एंड सेकेंड वस्तु विधि। लोक विधि की यह विशेषता है कि वैध व्यवहार के संबंधों को हमेशा के लिए सौजन्यपूर्ण बना देती है। उसमें मनुष्यों के ऊपर एक वैधानिकता का आवरण आ जाता है एवं उस आवरण में वह समाज में अच्छी तरह प्रवेश कर सकता है। हॉलैंड ने लिखा है कि यदि हम विधियों को सार्वभूत विधि एवं प्रक्रिया विधि में विभाजित करें तो हमारे पास पांच प्रमुख क्षेत्र आ सकते हैं जिनमें विधि के कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। फर्स्ट, सार्वभूत एवं प्रक्रिया विधि। सेकेंड, व्यक्ति विधि, लोक विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि। थर्ड, साधारण एवं असाधारण विधि। फोर्थ, लोक लक्षी एवं व्यक्ति लक्षी विधि संबंधी अधिकार। फिफ्थ, पूर्ववर्ती एवं उपचारात्मक विधि संबंधी अधिकार। हॉलैंड के अनुसार यदि अधिकारों के प्राथमिक विभाजन को स्वीकार कर लिया जाए तो व्यक्तियों को राजनैतिक एवं अराजनैतिक गुणों की श्रेणियों में रखा जा सकता है एवं फिर विधि का विभाजन इस तरह होगा, फर्स्ट व्यक्तिगत, सेकेंड लोक, थर्ड अंतर्राष्ट्रीय।